once again. नमस्ते इंडिया, दिस इज शिवानी गुप्ता आपकी अपनी फिटनेस को. सो आज मैं 27 का वर्कआउट रूटीन लेके आई हूँ. आई होप आप लोगों को मेरा स्वेट एंड प्रोग्राम डेज वाइज अच्छा लग रहा होगा और आप लोग घर पे कर रहे होंगे. सो आज का जो रूटीन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड विल यूज टुडे बैम्बू स्टिक से हम वर्कआउट करेंगे एंड उस एक्सरसाइज के जो रेप्स एंड राउंड होंगे वो वीडियो के नीचे लिखे हुए होंगे. सो आप लोग उस पर देख के प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं. अब आती है बात कि बहुत लोगों के पास बैम्बू स्टिक नहीं होंगे घर पे, तो उसकी जगह हम घर पे जैसे हमारे वाइपर्स होते हैं, वाइपर टूट जाते हैं घर पे जो फ्लोर पे यूज़ करते हैं और उसके हम हमारे पास स्टिक रह जाती है. सो यू कैन यूज़ दैट स्टिक ऑल्सो. अगर वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल अपने हैंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको वेरिएशन बताती रहूँगी बीच में. सो चलते हैं आज के अपने वर्कआउट की तरफ. सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस वर्कआउट? तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे कि जैसा कि सबको पता है कि मैं हर वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग बना रही हूँ ताकि आप उस स्ट्रेचिंग पार्ट को मिस ना करें, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट वर्कआउट करने लगते हैं. सो ताकि आपको मसल्स इंजरीज ना हो, दैट इज़ द रीज़न मैं सबसे पहले 2 to 3 minutes में आपके लिए स्ट्रेचिंग पार्ट तैयार करती हूँ. सो आप उसको ज़रूर कीजिएगा. उसके बाद हम अपना बैम्बू स्टिक वर्कआउट स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला वर्कआउट है हमारा जंपिंग जैक्स विद योर बैम्बू स्टिक. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ. अगर जिनके पास बैम्बू स्टिक नहीं है तो वो अपने हाथों का पंच बनाएंगे कस के एंड उसको सेम इसी डायरेक्शन में हिट करेंगे ऊपर की तरफ. सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट. और इसमें हमारे 100 जंपिंग जैक्स ये करने हैं आपको विद बैम्बू स्टिक. इसके आपको 3 rounds कंप्लीट करने हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारा बैम्बू स्टिक वर्कआउट विच इज़ योर साइड ओब्लिक. इसमें आपका जो एक्सरसाइज का जो पोज है वो ट्राइंगल पोज क्रिएट करेगा. इसके आपको 50 रेप्स करने हैं. इसके भी 3 rounds कंप्लीट करने हैं. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए आपकी स्टिक की. अगर आपके पास बैम्बू स्टिक नहीं है तो आप ये वेरिएशन ले सकते हैं विदाउट बैम्बू स्टिक, जैसा कि स्क्रीन पे दिखा रहा है. सो डोंट वरी अबाउट इट कि हमारे पास बैम्बू स्टिक नहीं, हम कैसे करें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस वर्कआउट को. सो बॉडी को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, साइड की तरफ स्ट्रेट रखना है आपको एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके आपको 50 रेप्स एंड 3 rounds कंप्लीट करने हैं एट द सेम टाइम.
नाउ थर्ड वर्कआउट आता है हमारा क्रॉस, जिसमें आप क्रॉस ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को एंड बॉडी को बिल्कुल थोड़ा सा डाउन करिए, अपनी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, लेग स्ट्रेट रखिएगा। जिनके पास बाम्बू स्टिक नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। क्रॉस टच करने हैं आपको अपने टोज को, इसके आपको 50 रेप्स एंड 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक को स्ट्रेट रखिएगा आपने, तो नेक्स्ट बैम्बू स्टिक वर्कआउट आता है हमारा ट्विस्ट, जिसमें आपको 50 रैप्स करने हैं, इसके भी 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। फेस को बिल्कुल सामने की तरफ रखें ताकि आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिले, आप प्रॉपर बैक और साइड लेफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जिनके पास बैम्बू स्टिक नहीं है वो इस तरह से वेरिएशन ले सकते हैं, इसको ट्विस्ट करनी है अपनी बॉडी को। तो 50 रैप्स 3 राउंड्स, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वर्कआउट एंड रेडी स्टेडी एंड गो। नेक्स्ट आता है टो टच विद योर बैम्बू स्टिक, जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इस तरह से आपको टो टच करने अपने बैम्बू स्टिक के साथ। और अगर जिनके पास बैम्बू स्टिक नहीं है वो हैंड्स का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। इसके 50 रेप्स 3 राउंड्स कंप्लीट करने एट द सेम टाइम। एक बार आप पॉस्चर देख लीजिए, फिर से बॉडी को स्ट्रेट रखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वर्कआउट विद आवर बैम्बू स्टिक, 50 रेप्स and 3 rounds. नेक्स्ट बैम्बू स्टिक वर्कआउट होता है स्क्वाट्स विद योर बैम्बू स्टिक। हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा और अपने टोज को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, बेसिक स्क्वाट्स कहते हैं इसको। और यहाँ पे हम अपना बैम्बू स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, इसके भी आपको 50 रेप्स करने हैं एंड 3 राउंड्स। आप रेस्टिंग में ले सकते हैं, बीच में रेस्ट लेते रहें। अगर जिनके पास बैम्बू स्टिक नहीं है सो वो इस तरह से करेंगे वर्कआउट, पॉस्चर का हमेशा ध्यान रखें, आगे की तरफ नहीं आना है आपको स्क्वाट्स में। मैंने हर वीडियो में अपना बताया हुआ है जहाँ पे स्क्वाट्स
अगर आप देखें डे वन की स्वेट एट होम डे वन का जो प्रोग्राम देखेंगे उसमें मैंने प्रॉपर स्क्वाट्स बताए हैं कि किस तरह से स्क्वाट्स किए जाते हैं ताकि आपकी नीज़ पे प्रेशर ना पड़े, नीज़ इंजरीज ना हो, नीज़ में पेन ना हो। तो इस तरह से इसलिए मैं साइड पॉस्चर करके दिखा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वर्कआउट विद आवर बैम्बू स्टिक। 50 reps, 3 rounds. नेक्स्ट आता है अपना शोल्डर राउंड। जैसे आप देख रहे हैं इसे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके शोल्डर के लिए, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जैसे कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि मैं बैक एंड फ्रंट लेके आ रही हूँ, बहुत स्लोली करेंगे आप ताकि एकदम कोई नस ना चढ़े किसी की, किसी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत आराम से करेंगे। जिसके पास नहीं है या जिनको शोल्डर इंजरीज हो रखी है या कुछ प्रॉब्लम होगा हुआ है तो आप विदाउट बैम्बू स्टिक भी कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रही है ऐसे करना है। इसके आपको 40 reps and 2 rounds complete करने हैं like this। नेक्स्ट आता है हमारा साइड ऑब्लिक क्रंच विद आवर बैम्बू स्टिक। एक बार देख लीजिए आप कैसे बैम्बू स्टिक के साथ करना है हमें, लाइक दिस। बॉडी को स्ट्रेट रखिए, हैंड्स को स्ट्रेट रखिए, प्रॉपर ट्विस्ट होना है लेफ्ट राइट, आपको दोनों तरफ पता चलेगा। जिनके पास नहीं है बैम्बू स्टिक वो विदाउट बैम्बू स्टिक से भी कर सकते हैं। कमर पे हाथ रखिए और हैंड्स को स्ट्रेट रखे हुए टच करने की कोशिश करें अपने टोज को जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है। इसका दूसरा वेरिएशन है, अगर बैम्बू स्टिक नहीं है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रॉपर वही फील आएगा। इसके आपको 40 रेप्स ईच साइड करने हैं और कंप्लीट करने हैं आपको 2 राउंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों तरफ 40-40 करने के बाद आपका एक राउंड कंप्लीट होता है और आपको इसको 2 राउंड्स कंप्लीट करने हैं।
नाउ नेक्स्ट आता है ट्विस्टर, में बॉडी को ट्विस्ट करना है प्रॉपर लेफ्ट एंड राइट विद योर बैम्बू स्टिक। जैसे कि आप बैम्बू को देखोगे ट्विस्ट कर रहे हैं हम प्रॉपर लाइक दिस, 180 डिग्री बनना चाहिए प्रॉपर स्ट्रेट, एंड आपकी बॉडी भी राइट एंड लेफ्ट होनी चाहिए टर्न। ये नहीं कि आप सिर्फ बैम्बू को ही 180 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको बॉडी को भी टर्न करना है। ओके सो जिनके पास बैम्बू स्टिक नहीं है तो वो इस तरह से कर सकते हैं जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। लॉक योर हैंड्स अप एंड लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न, इस तरह से आप करेंगे तो प्रॉपर फील आएगा आपको। बॉडी को टाइट रखिएगा, इसके आपको दोनों तरफ मिला के आपको टोटल मिला के आपको इसके 40 करने हैं और इसके भी आपको दो राउंड्स कंप्लीट करने हैं। 40 रेप्स 2 rounds. नाउ अब हम लोग कूल डाउन कर रहे हैं ताकि हमारी मसल्स को रेस्ट मिल जाए, सोरनेस ख़त्म होने की कोशिश हो और हम रिलैक्स कर पाएँ अपनी बॉडी को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सो आज का 27 वर्कआउट रूटीन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपकी बॉडी पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।